नमस्कार जय माता दी, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। और करवा चौथ आप गृहिणियों ने बहुत शिद्दत के साथ अपने इस व्रत को किया है, लेकिन जब हम शाम की पूजा की बात करते हैं वहां एक ऐसा पड़ाव होता है जो आपको सीधा सफलता की तरफ लेकर के जा रहा होता है। और सफलता कहाँ मिल जाती है? जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं। शाम की पूजा का कितने बजे मुहूर्त है? गृहिणियों को, महिलाओं को, सौभाग्यवती महिलाओं को जिन्होंने करवा चौथ का व्रत किया है, उन्हें कितने बजे शाम की पूजा करनी है, उसका खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय पर की हुई पूजा बहुत फल देती है। और दूसरी बात, इस बार भद्रा का साया था, हमने करवा चौथ की सरगी से लेकर के मेहंदी तक लगाने का समय आपको बताया था, लेकिन शुभ पूजा अगर आप शाम की जो संध्या की पूजा होती है उसे सही विधि विधान के साथ करते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। हमने एक पूजा में एक खास चीज रखने के लिए भी बोला था और अपनी वीडियो में उसमें बताया भी था कि जब आप ये थाली सजाते हैं उसमें आपको एक खास चीज जरूर रखनी है, और वो चीज जो आपकी यादें हो, वो चीज जो आपने शादी के समय में इस्तेमाल की हो, ऐसी चीजें अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपके रिश्तों में एक नई उमंग, एक नई तरंग आती है। तो आपने वो वीडियो भी मेरी देख ली होगी। लेकिन अगर हम शादी की चीजों को अगर संजो करके रखते हैं तो कहते हैं उन रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहता है। चलिए अब हम पूजा के मुहूर्त की बात करते हैं कि शाम को आपने कितने बजे ये थाली फेरनी या फिर कथा सुननी। कथा सुनने का बहुत बड़ा लॉजिक होता है, कथा जरूर सुननी चाहिए, लेकिन कितने बजे आपने ये पूजा की थाली जो फेरनी है ये कितने बजे विधि विधान आपको करना है। जो शाम की पूजा है वो आपने शुरू करनी है, क्योंकि बहुत ही विधि विधान से कीजिएगा, शांत मन से कीजिएगा, कथा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि कथा का बहुत प्रभाव होता है इस व्रत को लेकर के। तो जो आपने शाम की पूजा करनी है वो पूजा आपने करनी है 5:41 से लेकर के 6:13 के बीच का जो समय है, इस बीच में कथा आपको सुनना शुरू कर देनी चाहिए या फिर पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब इसका समापन आप कुछ आगे समय तक भी जाकर के कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हम 6:13 का अगर हम समय बता रहे हैं तो वो 6:13 पे कथा सुनना शुरू करते हैं या फिर पूजा करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तैयारियों में इतना समय लगा देते हैं, क्योंकि तैयार होने में समय लगा देती है। लेकिन तैयार आप चाहे थोड़ा सा कम भी हो जाएंगे, अगर आप सही समय पर पूजा शुरू कर देंगे तो उसका प्रभाव साल भर आपके जीवन में और आपके पति के जीवन में रहता है। जिस कामना से आप व्रत रखते हैं उस कामना को पूरा करने के लिए ये कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं जिन्हें सही तरीके से पार करना जरूरी होता है। तो आपने पूजा का जो समय है अच्छे से नोट कर लिया है, इसी समय ही आप पूजा कीजिएगा ताकि आपकी पूजा भी सफल हो, आपका व्रत भी सफल हो और आपके जीवन में खुशियां, सुख और समृद्धि आए। जिस कामना को लेकर के आप व्रत कर रहे हैं वो सारी कामनाएं पूरी हो, आप स्वस्थ रहे, आप दोनों दीर्घायु रहे। देखिए, व्रत करने वाला और जिनके लिए व्रत रखा जाता है उन दोनों के जीवन के अंदर खुशियां बनी रहती हैं, उन दोनों के जीवन के अंदर इस व्रत का प्रभाव होता है। सो वीडियो को सारी गृहिणियों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि सही समय पर पूजा करके वो अपने इस व्रत को सफल बना सके। जय माता दी जरूर लिखे मेरी सारी वीडियोस के ऊपर। नमः शिवाय, जय माता दी।